Hello students, very good morning. Today in this video we are going to continue the lesson number 12 of your English grammar book, and the name of the lesson is preposition and its usage. पिछले वीडियो में हमने इस लेसन का आधा पढ़ा था और आज हम उसके कंटिन्यू करेंगे, यानी बाकी आधा को आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम यहाँ से पढ़ेंगे. फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और यूसेस प्रीपोजिशंस आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और यूसेज, उसका जो फंक्शन और यूसेज को आधार करके प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं वो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन, एक एक करके पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन, नंबर वन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डिनोट्स द टाइम. ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं वो टाइम को, समय को दर्शाते हैं. सी द एग्जांपल्स. ही विल रीच हेयर बाय संडे. वो संडे तक उसके पास पहुंच जाएगा. कब पहुंचेगा, कौन से टाइम में, संडे तक. By Sunday. So by is the preposition of time. Next one, you have improved a lot over the years. In बरसों में, है ना, बरसों में आपने बहुत इम्प्रूव किया है. तो over, over is the preposition of time. I shall visit you definitely after Christmas. After Christmas के बाद definitely मैं आपसे विजिट करूँगा. ही हैज़ वर्कड इन दिस MNC फॉर 10 years. हाउ मेनी ईयर्स, 10 years. तो 10 years टाइम होता है, वो टाइम को दिखा रहा है, फॉर 10 years. सो मैनी साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट हीयर ड्यूरिंग विंटर. ड्यूरिंग विंटर के समय में बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट यहाँ तक हो जाते हैं, यहाँ तक आते हैं. लास्ट एग्जाम्पल, आई विल रीच माई स्कूल एट 9 AM. मैं मेरे स्कूल तक कितने बजे पहुँचूँगी, कौन से टाइम में, 9 AM, एट 9 AM. सो दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. द नेक्स्ट, नंबर टू. नंबर टू इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डिनोट्स द प्लेस, है ना, ये प्लेस को दिखाते हैं, जगह को दर्शाते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, है ना, किस जगह में कौन सा चीज़ हो रहा है, वो चीज़ को प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बताते हैं. सी द एग्जांपल, दे वर सिटिंग अंडर द बनियन ट्री. हियर सी द पिक्चर. दे वर सिटिंग अंडर द बनियन ट्री. ये बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे बैठे हैं. कहाँ पे बैठे हैं, उसके नीचे, बनियन ट्री के नीचे. माई कॉलेज वॉज इन महाराष्ट्र एट नागपुर. हमारा, मेरा कॉलेज जो है ना वो महाराष्ट्र के नागपुर में है. इन महाराष्ट्र. कीप दीज बुक्स ऑन माई स्टडी टेबल. ये सारे किताबें मेरे स्टडी टेबल के ऊपर रखो. ऑन माई स्टडी टेबल. द रैली वॉज ऑर्गेनाइज एट नेहरू पार्क. कहाँ पे रैली ऑर्गेनाइज किया गया था, एट नेहरू पार्क. कैन यू लोकेट उगंडा ऑन द मैप. क्या आप मैप में उगंडा को लोकेट करोगे. ऑन द मैप, मैप में. सो दीज आर द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. एंड द नेक्स्ट वन, नंबर थ्री, प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट और डिवाइस. This preposition of agent used to express a casual relationship between the noun, noun means doer, and the and an action. Action मतलब जो काम कर रहे हैं, है ना, ये casual relation किस किस का, noun, noun यानी जो doer जो काम करता है और क्या काम कर रहा है उसका relation को preposition of time दिखाता है. Also, prepositions of
addend used for joining noun and other words in a sentence. Noun और दूसरे word के साथ join करने के लिए भी इसको prepositions of device को use किया जाता है. These prepositions generally used in sentences expressed in passive voice. जो passive voice में होते हैं उसको express करने के लिए prepositions of agent और device use किया जाता है. See the example. I can fix this switch with a screwdriver. इस switch को मैं fix कर सकता हूँ किसके साथ? With a screwdriver. ये जो screwdriver हो गया device, इसके साथ with. Okay. The grammar was published by Lemon Tree Books. ये जो grammar book है वो Lemon Tree Books के under में publish किया गया है. By Lemon Tree Books. ये सारे होते हैं passive voice में कहा गया sentences. The company is replete with hard working and honest worker. With. The glass was broken by Rahul with a stone. ये जो glass है वो Rahul के द्वारा टूटा गया है और किसके साथ टूटा गया है? With a stone. Stone से टूटा गया. Here two prepositions. One is by and another one is with. And this activity is your homework. You have to do this at your home. This is your homework. Make sentences with the following prepositions. यहाँ पर जो prepositions दिया गया है उसके साथ आपको sentences बनाना है. And the next, number 4. Preposition of direction. Direction यानी दिशा है ना. This preposition of direction show the direction of something. कुछ चीज़ों का, कुछ something का, जो कुछ चीज़ें होते हैं उनका direction कौन से direction में है वो direction को दिखाते हैं ये preposition of direction. See the example. All the people run towards the accident site. सारे लोग एक्सीडेंट जो जहाँ पे दुर्घटना हुआ है उस तरफ दौड़ के गए. टूवर्ड्स कौन से डायरेक्शन में? उस तरफ जो तरफ एक्सीडेंट हुआ है. प्रिंसिपल लेफ्ट द हॉल एंड वेंट इनटू हिज ऑफिस. प्रिंसिपल क्या हॉल को छोड़े और ऑफिस तरफ चले गए, अपने ऑफिस तरफ. इनटू है ना अपने ऑफिस में. The boars caused great destruction and run to the forest. To the forest. कहाँ दौड़ के गए? Forest के तरफ दौड़ के गए. To है ना? Forest में, जंगल में दौड़ के गए है ना? दौड़े. And the next one is preposition of reason and purpose. This is number 5. Preposition of reason and purpose used to describe why something has occurred or to describe the purpose. ये जो preposition होते हैं वो reason कारण बताते हैं और purpose क्यों हुआ उस चीज़ को बताते हैं. See the example. I need good books for studies. मेरे को पढ़ने के लिए अच्छा किताबें चाहिए. क्यों चाहिए अच्छा किताबें? For studies, पढ़ने के लिए. She has gone so weak due to illness. मतलब illness, बीमार के कारण वो बहुत कमजोर हो गई है ना. Due to illness. They went by air in order to reach early. ना जल्दी पहुंचने के लिए वो लोग flight में चले गए. Air यानी जो फ्लाइट में जाते हैं. काय के लिए गए वो लोग? इन ऑर्डर टू रीच एयरली. द नेक्स्ट वन, शी डाइड ऑफ डेंगू है ना. वो डेंगू से मर गई. कैसे मर गई? डेंगू से. ऑफ डेंगू. सो दीज आर द प्रीपोजिशंस ऑफ रीजन एंड पर्पस. एंड द नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन. दिस इज नंबर 6. Preposition of position used to express that something belongs to a person, animal or thing. ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये उस चीज़ को express करता है. कुछ चीज़ें जो something, कुछ चीज़ किसी person का है, animal का है और thing का है ना. Position मतलब अधिकार, जो मालिकाना अधिकार होता है.
See the example. Pariniti has huge responsibilities on her shoulder. On her shoulder. मतलब उसके परिणीति has huge responsibility है ना, बहुत सारा responsibility अपने कंधे पे है, परिणीति के कंधे पे. It was the man with grey hair who rang the bell. वो आदमी जिसके बाल कौन से कलर के, ग्रे हेयर है, जो जिसने दरवाजा में घंटी लगाया. द वेल्थ ऑफ गोकुल एंड आशीष इज काउंटलेस. वेल्थ यानी धन होता है ना, संपत्ति. तो ऑफ किसका, गोकुल और आशीष इज काउंटलेस. काउंटलेस मतलब अनगिनित. गोकुल और आशीष का संपत्ति है ना, वो अनगिनित है. किसका, गोकुल और आशीष का. सो दीज आर द प्रीपोजिशंस ऑफ पोजिशन. एंड द नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर. दिस इज नंबर 7. प्रीपोजिशन ऑफ मैनर इज ऑल अबाउट हाउ ए एक्शन, सॉरी हाउ ए सर्टेन थिंग हैपेंड और डन. ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैसा एक चीज़ हुआ, हैपेंड और किया गया है, कैसे किया गया है और कैसे हुआ है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए ये प्रीपोजिशन ऑफ मैनर लगाया जाता है. सी द एग्जांपल. अनुष्का एक्टेड विद डिफिकल्टी अगेंस्ट द मेगा स्टार. अनुष्का मेगा स्टार के अगेंस्ट में बहुत डिफिकल्टी में है ना, विथ डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्ट से एक्ट की. वी गॉट सेव्ड इन द बैटल बाय विश्कस. माय विश्कस. सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विद ईज एंड इन स्टाइल. विथ ईज एंड इन स्टाइल. सो नॉट हियर. It is the use of a preposition that determines its kind or not its form. The same prepositions can perform different functions and fall into different categories. So here we learned and the prepositions and their kinds. So here also you have another activity and this is your homework. इसको भी आपको घर पे करना है. ये activity है, आपको घर पे करना है. Make sentences with the following prepositions. यहाँ पे जो prepositions दिया है उनमें से आपको sentences बनाना है. So in this video we learned 7 kinds of preposition. है ना, 7 प्रकार के prepositions हमने पढ़ा, जो कि on the basis of function or usage हुआ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसके कार्य को आधार करके प्रीपोजिशंस जो 7 टाइप से, 7 काइंड से, उसके बारे में हमने पढ़ा. सो डू द होमवर्क केयरफुली, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन. थैंक यू.